loom available in India. Okay, so two loom means central two loom and threading center. Okay, MSME two loom Kolkata or MSME technology center. The three things are common, one same. Okay, these are the three different names of the two loom. Okay, so one two loom is the combination of Indian government and Danish government. Okay, Indo-Danish two loom. And another one is Indo-German two loom. Okay, this is the collaboration of Indian government and German government. Okay, so this two loom is the mother of all two loom. It was the second two loom that has ever built in India. First of all, CIDB Hyderabad, as far as I am concerned. Okay, so basically, few decades back, normally it was called as central two loom, not loom. Sorry, central two loom, not training center. But nowadays it is called as central two loom and training center. What? Previously, we had only production department. Okay, so now we have two verticals. One is production and another training. So when training interviews nahi tha, only production work karta tha. So bata do, hum log ka yahan par kuch kya kya production hota hai? Ye log production hai. Okay. Have you heard about Mangalyaan? Yes, sir. ठीक है. Mangalyaan में बहुत सारे कंपनी ने बहुत सारे इक्विपमेंट्स बनाया था. उसके लिए 33% इक्विपमेंट सेंट्रल टू लूम ने बनाया था. ओके, तो हमारा जो क्लाइंट है जैसे रहता है इसरो, ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ठीक है, मिंट. ओके, जो कॉइन होता है, आप लोग कॉइन यूज करते हैं ना, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, वो कॉइन का डैश बनाया जाता है. ठीक है, तो हम लोग डैश बनाते हैं आरबीआई के लिए. ये जो मिंट होता है, यहाँ पर आप लोग क्या क्या करते हैं, मिंट में क्या बनाया जाता है, मिंट में कॉइन के साथ साथ ये बनाया जाता है, अवार्ड शो वगैरह हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इंडिया में, जैसे आपका पद्म विभूषण, भारत रत्न, ठीक है कि नहीं, एग्जैक्टली. तो मिंट में भी हम लोग कुछ काम करते हैं, ठीक है, ऑटोमेशन प्रोवाइड करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट वन, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का नाम सुना है? फिल्मों में देखा होगा और रियल लाइफ में भी क्या होता है, बुलेट होता है कि नहीं, बुलेट में जो सेल होता है वो सेल हम लोग करते हैं. मतलब ये होता है ज्यादातर हम लोग यहाँ पर एक सेंसिटिव इक्विपमेंट का प्रोडक्शन के लिए रिलीज करते हैं. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रेनिंग एंड ट्रेन इंट्रोड्यूस, वी आर कंडक्टिंग टू टाइप्स ऑफ डिप्लोमा, टूल एंड डाई मेकिंग. दिस इज ए 4 ईयर्स एडवांस डिप्लोमा प्रोग्राम. ओके, 3 ईयर्स ओवर ईयर, 1 ईयर ऑन जॉब ट्रेनिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज ए न्यू कोर्स दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस 4 ईयर्स बैक, दैट इज डीआईएम डिप्लोमा इन मेकाट्रॉनिक्स. दिस इज ए 3 ईयर्स. अपार्ट फ्रॉम दैट वी रन 36 नंबर्स ऑफ एनएसपीओ कंप्लायंस कोर्स. डू यू नो दैट व्हाट यू मीन बाय एनएसपीओ? नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क. ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि नॉर्मली स्टूडेंट ग्रेजुएट होने के बाद या तो डिप्लोमा करने के बाद, तो उसके पास सफिशियंट लैक ऑफ नॉलेज लैक, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक, जो जनरल साइंस और जनरल इंजीनियरिंग आप पढ़ रहे हैं वो आपके कॉलेज में सर पढ़ा, वो बेसिक है, वो जानना जरूरी हो. लेकिन उसके बाद क्या होता है, हम आप जाकर इंडस्ट्री में उसका एप्लीकेशन करते हैं. एप्लीकेशन करना मतलब एक मोटर के बारे में आपने पढ़ लिया, ठीक है, कुछ चीजों के बारे में आपने पढ़ा, तो उसको अप्लाई ना करें इंडस्ट्री में जाकर, उसको आपको अप्लाई करना. लेकिन जो टेक्नोलॉजी गैप होता है, हम लोग क्या करते हैं, बाहर से टेक्नोलॉजी को बोरो करते हैं, इंडियन इंडस्ट्री में इंप्लीमेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जिस लैब में बैठे हुए हैं इसको इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन डिपार्टमेंट में लाते हैं. आप लोग यूट्यूब प्रोग्राम में या तो कभी कोई इंडस्ट्री विजिट करेंगे तो भी देखिएगा, एक कंटिन्यूस रनिंग प्लान जो होता है उसमें बहुत सारे ऑपरेशन एक साथ चलता है. इधर से कंप्यूटर से मटेरियल आ रहा है, उधर रोबोटिक आर्म उसको पकड़ के नीचे रख रहा है, ठीक है कि नहीं, उसके बाद वो प्रोसेस हो रहा है. दिस इज ए सिक्वेंशियल ऑपरेशन. तो इस चीज को ऑपरेट करने के लिए आपको एक मास्टर कंट्रोलर की जरूरत पड़ती है. तो मास्टर कंट्रोलर जो है वो ये आपका पीएलसी, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, जिसके जरिए आपको होल प्रोग्राम को डिजाइन करना पड़ता है. जिस तरह से आप प्रोग्राम कर, आप जानते हैं मशीन इज द मोस्ट इलिटरेट इन्वेंशन ऑफ दिस मैनकाइंड. दुनिया का सबसे मूर्ख जो इन्वेंशन था वो मशीन है. वो कुछ नहीं समझता, वो सिर्फ समझता है जिस तरीके से यूजर ने उसको प्रोग्राम किया उसी बेसिस के ऊपर ऑपरेट करे. ओके, तो बेसिकली ये होता है. बेसिकली आप लोग कौन से ट्रेड्स हैं? कंप्यूटर साइंस, बाकी बहुत सारी चीजें होता है. एम्बेडेड सिस्टम के बारे में समझा होगा, पढ़ा होगा. ओके, तो एम्बेडेड का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को किसी के अंदर दफन कर देना, एम्बेड कर देना. एक प्रोग्राम किया तो उसको दफन करके कंट्रोलर के अंदर रख देंगे, तो उसी हिसाब से आपका काम चलता है. मोबाइल फोन से लेकर हवाई जहाज तक बहुत सारी जगह पर आपका एम्बेडेड एप्लीकेशन चलता है. लेकिन जब एक ह्यूज
लोड को यूज नंबर ऑफ इनपुट और आईओ को कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है और मल्टीपल फंक्शनैलिटी रहती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशन रहता है, तो उसके लिए आपको एक फ्लेक्सिबल कंट्रोलर की जरूरत पड़ती है। वो फ्लेक्सिबल कंट्रोलर होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में ये करता है। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट भी काम करते हैं, ज्यादातर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट काम करते हैं, आईटी कंप्यूटर साइंस वाले वो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड काम करने की कोशिश करते हैं, तो सामने बैठे के काम करते हैं। यही है, कितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनको नौकरी करना है भविष्य में? किसी को नहीं करना, किसी को नहीं करना, किसी को नहीं करना, करना। सब बेरोजगार है। आप जो पढ़ रहे हैं अभी, आप पढ़ने के बाद नौकरी करेंगे? नौकरी करने के लिए तैयार हैं तो है? तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को नौकरी करना ही चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए दो मिनट दीजिए, मैं दो मिनट में आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ठीक है, उस कहानी में एक सवाल है, तो सवाल का जवाब दीजिए, फिर उसके बाद हम लोग दूसरे डिपार्टमेंट में जाएंगे। ओके, ध्यान से सुनिए, इस सवाल का जवाब आपको देना है। ओके, बचपन में सबने बहुत कहानी सुना हो। ठीक है, कुछ कहानी ऐसी होती है जो एंटी क्लाइमेक्स होता है, और कुछ कहानी ऐसी होती है जिसमें हर कोई खुश रहता है, हैप्पी एंडिंग होता है। ये कहानी शुरू होता है अनाथ आश्रम। अनाथ आश्रम तो समझते होंगे, ऑर्फनेज जहाँ पर अनाथ बच्चे रहते हैं, वहां पर बहुत सारे बच्चे थे, उसमें से एक 8-9 साल का लड़का था। ठीक है, कोना था लेकिन बहुत ओबीडियंट था, बिल्कुल आप उनकी तरह जैसे जो बोलो वो कर देता था, कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं करता था, झगड़ा नहीं करता था। तो एक दिन अचानक क्या हुआ, वो अनाथ आश्रम छोड़ के नहीं चला गया, उसको बहुत ढूंढे, पुलिस कंप्लेन भी किए। ठीक है, लेकिन पता नहीं चला कैसे, लगभग 7-8 साल बीत गया होगा। ठीक है, तो वहां अनाथ आश्रम का आदमी कोई इतना ध्यान भी नहीं दिया उसके ऊपर, चलो अनाथ बच्चा था, 7-8 साल बीत गया लगभग, अनाथ आश्रम का आदमी सामान खरीदने गया ना मार्केट में। ठीक है, तो अचानक से वो रोड की इस तरफ है उधर, उस तरफ एक बच्चे को उसने देखा जो कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज कर रहा था, इधर उधर भाग रहा था, कुछ घूम रहा था। तो उसको याद है इस बच्चे को कहीं मैंने देखा है, तो उसको याद है ये तो वही बच्चा है जो 7-8 साल पहले लगभग हमारे यहाँ से चला गया। फिर वो दौड़ के रोड की उस तरफ जाना ही कोशिश कर रहा था, तभी सिग्नल रेड नहीं था तो जा नहीं पा रहा था, जैसे सिग्नल रेड हो वो दौड़ के उस तरफ गया, उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, तभी वो लड़का वो बच्चा क्या कर रहा था, कुछ घूम रहा था, एक्चुअली उसको फोन करना था किसी, इसीलिए वो देखा वहां पर एक मेडिसिन का स्टोर है तो वहां पर गया। तो बच्चा थोड़ा नाटक, उसका हाथ नहीं पहुंच रहा था रिसीवर तक, रिसीवर होता है ना पहले वो करता था, उठाते हैं कॉइन डालते हैं फिर बात करते हैं। ठीक है, तो उसने क्या किया, बाहर पर 3-4 कार्टून रखा हुआ था उसको लेकर आया। ठीक है, उसके एक के ऊपर एक रखा, उसके ऊपर खड़ा हो गया। ठीक है, खड़ा होकर उसका हाथ पहुंच गया, पॉइंट डाला, रिंग घुमाया, बात की। तो जैसे ही उसने फोन में बात किया, ये सारा चीज वो ऑब्जर्व कर रहा है, कौन वो आदमी, इवन जो दुकानदार जिसके वहां पर वो टेलीफोन है वो भी ऑब्जर्व कर रहा है। फादर साहब को एक लेडी ने फोन रिसीव किया, तो इसने बोला कि मैम देखिए मेरे दोस्त ने आपका नंबर दिया है, तो आपके घर में कोई जगह खाली है, मैं आपके घर में काम करना चाहता हूँ, जरूरत है कोई सर्वेंट? बोले नहीं, मेरे पास ऑलरेडी एक है जो कर रहा है, और मैंने रख लिया। तो वो और भी लेडी को कन्विंस करने की कोशिश करता रहा कि वो जितना पैसा मैं काम करता है उसे आधा पैसा में कम पैसा दीजिए, मैं काम करूंगा, आप मुझे काम दीजिए, मुझे बहुत जरूरी है, मुझे ना। फिर भी वो लेडी नेगेटिव रिप्लाई दी, और भी प्रिजर्वेंस तरीके से वो लेडी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि घर का हर दिन काम करेगा, संडे संडे छुट्टी नहीं लेगा, बच्चों को स्कूल लाना जाना ले आना सब कुछ करेगा, लेकिन उसको काम की बहुत जरूरत है। ठीक है, अनाथ बच्चा है, कोई नहीं उसके दुनिया में। প্রোগ্রামিং করবো সেটার জন্য আমাদের মাইক্রো কন্ট্রোলার প্রোগ্রামিং বলে একটা এখানে কোর্স
সুন্দর ডিজাইন করেছি সেখানে তোমার 8051 মাইক্রোকন্ট্রোলার পিক মাইক্রোকন্ট্রোলার এইসব জিনিসগুলোর বেসিক্স থেকে শেখানো হবে।